नौकरी चली गई ना सर, सर हमारे सर पे छत नहीं होगी, मैं कहाँ जाऊँगी पूरे परिवार को लेकर। ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम्हारे भाई ने मेरी मॉम के साथ बदतमीजी की। अगर आप मुझे मेरी जॉब नहीं दिलवाएंगे वापस तो मैं सबको बता दूंगी दहेज के बारे में। जी मिस्टर मैनेजर, आप अमृता चिटनिस को उसकी जॉब वापस दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, कबूल है? कबूल, अपने परिवार के लिए मुझे आपकी हर शर्त। कैसे मुझे तुम मुझे मेरी पर्सनल बैंक मैनेजर की जरूरत है। 12 बज रहे हैं, कल ऑफिस जाना है मुझे। तुम्हारा ऑफिस इस वक्त यहाँ पे है मिस अमृता, क्योंकि मुझे रात को काम करने की आदत है। 10 मिनट में मेरी टेरेस पे मिलो। अब देखो मिस अमृता, जिस जॉब को वापस पाने के लिए इतना गिड़गिड़ा रही थी ना, उसी जॉब से छुटकारा पाने के लिए गिड़गिड़ाओगी। हाँ है। ये लड़की ये यहाँ क्या कर रही है? अरे बॉक्सेस छुपाओ, अगर चोरी हो जाए ना तो मुझे मत बोलना फिर। आई एम सॉरी सर, मैंने इशिका को देखा नहीं। इनसे क्या बात कर रही है, मुझसे बात कर। हाँ, तेरी दुख भरी कहानी सुनकर आदमी पिघलते होंगे, मैं नहीं। तुम उस इशिका को धक्का दो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे और मेरे बेबे को धक्का दिया है। क्या? मैंने कब? आप क्या बोल रही हैं मैम? विराट! इस कुड़ी ने मेरी जितनी बेइज्जती की थी है ना, आज तक किसी ने की थी नहीं। तरह बेबे बेबे शांत हो सब। हाँ, कैसे शांत होंगी? हाँ, इस लड़की ने अशांति फैलाई है हमारे घर में। अब देखो क्या हालत कर रखी है तुमने हमारी फैमिली की। अरे भोली शक्ल बनाकर एक्टिंग कर रही हो। हाँ? मॉम प्लीज रिलैक्स, काम प्लीज, आप शांत हो जाओ। I'll handle her। कोई चांस नहीं छोड़ती ना तुम, आखिर चाहती क्या हो? मैं बस अपनी नौकरी वापस चाहती हूँ सर। फैमिली बहुत मुसीबत में है, मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए। Quite honest, हाँ? सारी लड़कियां घुमा फिरा के बातें करती है, पर तुम सीधा पॉइंट पे। पैसे चाहिए? आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपनी मेहनत के पैसे चाहिए सर। आपके कहने पे मुझे नौकरी से निकाल दिया, शायद आपके कहने पे नौकरी वापस मिल जाए, इसीलिए मैं। अच्छा? और तुम्हारा बाप भी तुम्हें वापस ले लेंगे घर पे? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया है किसी और औरत के चक्कर में। क्या? हाँ बेबे, तभी तो बेचारे ऐसे दर दर भटक रहे। और रियली उस दिन यॉट पे तो बड़े तारीफों के पुल बांध रही थी, मेरी फैमिली ऐसी, मेरी फैमिली वैसी। अब क्या हुआ? अरे सब ड्रामा है, अगर थोड़ी सी भी खुददार होती तो यहाँ आती क्या ऐसे गिरगिराने? और बेशर्मी तो देखो, इतनी बेशर्म है अभी तक खड़ी है। बेबी बेशर्मी तो इसके खून में है। अब तो इसके बाप ने भी करनी से साबित कर दिया। है? 10 से मस नहीं हो रही है? कैसी लड़की है? सुना नहीं? आउट, गेट आउट। मैं चली जाऊंगी, मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। इसकी भोली शक्ल पर मत जाना, इसने मेरी और बेबी की इंसल्ट की है। मॉम, आई नो, एंड आई प्रॉमिस यू, दोबारा आपका बेटा बेवकूफ नहीं बनने वाला। मॉम, मॉम, रुला दिया ना फिर से मेरी मॉम को। तुम्हें तुम्हारी नौकरी तो दोबारा मिलने से रही मैं समझता। मेरे परिवार के साथ जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो चांस ही नहीं है, भूल जाओ। और पैसे चाहिए ना, पैसे का सवाल है तो उसके लिए नौकरी वोकरी क्या करनी है, छोड़ो, उसका कोई फायदा नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उससे बता रहा हूं। अगर पैसे चाहिए ना तो नौकरी मत ढूंढो, एक काम करो, एक अमीर सा लड़का ढूंढो, रिच बिजनेसमैन। उसको पटाओ, जाल में फंसाओ, शादी करो, ऐश करो, जो करना करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यू आर रिच। मैं तो कहता हूँ प्यार की भी जरूरत नहीं है, पैसा प्रॉब्लम है बॉस, सबसे बड़ी चीज तो वही है। और ऊपर वाले ने ना तुम लड़कियों को एक हिडन टैलेंट भी दिया है, बहुत ही यूनिक टैलेंट। अपनी प्यारी शक्ल से, अपनी प्यारी आंखों से, खूबसूरत आंखों से किसी भी लड़के को फंसाना, उसको बेवकूफ बनाना और उसके सारे पैसे। सो यूज इट। मैं तो कहता हूं इस टैलेंट का इस्तेमाल करो, बहुत फायदे में रहोगे। विराट, बस कर बेटा। क्यों डैड? मैं तो $1 मिलियन एडवाइस दे रहा हूं। इनफैक्ट शी शुड थैंक मी फॉर इट। चलो, एक अच्छे से बिजनेसमैन को पटाओ, शादी करो, ऐश करो, पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जॉब तो मिलने से रही में सफल था। और सुन लड़की, जिसे फंसाएगी ना उसे दहेज मत देना। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया है किसी और औरत के चक्कर में। इतनी बेशर्म है, अभी तक खड़ी है। बेबी, बेशर्मी तो इसके खून में है। अब तो इसके बाप ने भी करनी से साबित कर दिया। अरे सब ड्रामा है। अगर थोड़ी सी भी खुददार होती तो यहाँ आती क्या ऐसे गिरगिराने? अगर पैसे चाहिए ना तो नौकरी मत ढूंढो, एक काम करो, एक अमीर सा लड़का ढूंढो, उसको पटाओ, जाल में फंसाओ, शादी करो, ऐश करो, जो करना करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यूर रिच। और ऊपर वाले ने ना तुम लड़कियों को एक हिडन टैलेंट भी दिया है, बहुत ही यूनिक टैलेंट। अपनी प्यारी शक्ल से, अपनी प्यारी आंखों से, खूबसूरत आंखों से किसी भी लड़के को फंसाना, उसको बेवकूफ बनाना और उसके सारे पैसे। सर, मुझे इस नौकरी की इस वक्त बहुत जरूरत है। सॉरी अमृता, मैं कुछ नहीं कर सकता। विराट आहूजा ने साफ साफ कहा है कि अगर हमने तुम्हें नौकरी पे वापस रखा तो वो हमारे बैंक के साथ किए सारे इन्वेस्टमेंट्स और अकाउंट्स बंद कर देगा और हम इतना बड़ा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। रियली सॉरी। सब खत्म हो गया एक पल में। बैटरी भी लो हो गई, एक पल में सब खत्म हो गया। अब कैसे संभालूं सब कुछ? मैंने सारी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ली थी, पर अब मैं ही खाली हाथ रह गई। ये खबर कैसे सुनाऊं सबको? उम्मीद दे के कैसे ना उम्मीद करूं मेरे अपनों को? सर, सर, अरे कुछ बात करनी थी सर। सर, सर, हमारी बात हो सकती सर? श्योर, जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे हमारी बात चलेगी। सर देखिए, आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन सर उस नौकरी की ना मुझे बहुत जरूरत है। आप जानते नहीं मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ सर। मेरे फैमिली कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम सॉरी, सॉरी। हमेशा यही बोलती हो, बस यही बोलना आता है क्या? बोलना तो आप। Actually nice. अब जब तुम्हें मुझसे मदद चाहिए, you need my help, तो तुम्हें एहसास हो गया कि तुम मुझसे पंगे तो ले नहीं सकती, right? Go on. I'm waiting. ये सॉरी बोलने में इतनी तकलीफ होती है तो गलतियां करती क्यों? जो यॉट में मैंने कहा ना, मुझे नहीं कहना चाहिए था सर। और आज आज जो तुम्हारे भाई ने मेरी मॉम पे हाथ नहीं उठाया सर, वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं। रियली? तो तुम क्या कहना चाहती हो, हम लोग पागल हैं? झूठ बोल रहे हैं, अमेजिंग, यू आर होपलेस यार। सॉरी बोलना आता है पर सही और गलत का जरा भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। सर समझने की कोशिश कीजिए, मेरा भाई ना इस वक्त फैमिली की टेंशन से जूझ रहा है, वो गुस्से में था, लेकिन हाथ उसने नहीं, आपकी बहने दीजिए सर। मैं इतना कह रही हूँ, आप हमें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते सर। तुम्हारे पैर रुक गए सर। मैं जानती हूँ आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप गुस्से में मुझे यॉट से भी फेंकने वाले थे। मैं सारा गुस्सा समझती हूँ सर, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी चली गई ना सर, मेरे और मेरे परिवार के घर ही चला जाएगा सर, हमारे सर पे छत नहीं होगी। मैं कहाँ जाऊँगी पूरे परिवार को लेकर सर? मेरा छोटा भाई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है सर, बहुत परेशानी रहती है उसको अपनी पढ़ाई को लेकर। उसे पैसों की कमी की वजह से तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए ना सर। सर वो नौकरी चली गई, मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मेरा सब खत्म हो जाएगा सर, सब खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम्हारे भाई ने मेरी मॉम के साथ बदतमीजी की थी। तब सोचना चाहिए था जब तुम लोगों ने बिना परमिशन के हमारी टेरेस को इस्तेमाल किया था। तब सोचना चाहिए था जब तुम लोगों ने हम पे दहेज का झूठा इल्जाम लगाया था। टू लेट सर, मेरे भाई ने जो किया सो किया, लेकिन टेरेस पे हमने पार्टी इसलिए की क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और यॉट पे जो हुआ वो दहेज की बात, वो सच। बोलिए नहीं, यही कि आप सोच कर देखिए, अगर प्रेस या पुलिस को पता चल गया कि आहूजाज ने दहेज का लेन देन किया है, कैश का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या होगा? पुलिस केस हो सकता है, जेल भी हो सकती है सर। और मेरे पास तो सारे डिटेल्स और सबूत भी हैं। ये सारी लड़कियां एक जैसी हैं, पैसा पैसा पैसा, इन्हें बस पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। सीरियसली मेरी फैमिली के लिए मुझे मेरी जॉब मुझे वापस दे दीजिए। ब्लैकमेल कर मुझे विराट आहूजा को। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझ रहा हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, अगर आप मुझे मेरी जॉब नहीं दिलवाएंगे वापस तो मैं सबको बता दूंगी दहेज के बारे में। मैंने क्या सोच के इसे धमकी दी? पूरा प्लान फेल हो गया, अब क्या करूंगी, कैसे बचाऊंगी अपने परिवार को? हेलो सर। अमृता, मिस्टर विराट आहूजा मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर है, तुम्हारे लिए कोई मैसेज देना है उन्हें, बट प्लीज अब कुछ गड़बड़ मत करना, ओके? जी मिस्टर मैनेजर, आप अमृता चिटनिस को उसकी जॉब वापस दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो मेरे अलावा किसी और का बैंक अकाउंट हैंडल नहीं करेगी। वो मेरी पर्सनल बैंक मैनेजर बनके रहेगी। मेरे बैंक के हर काम के लिए वो हर वक्त हर जगह मौजूद रहेंगे। मेरी फैमिली में से जब भी किसी को भी उसकी जरूरत होगी वो वहां पे उस टाइम उस जगह बिना किसी बहाने के पहुंचेगी। अगर अमृता चिटनिस को ये सारी शर्तें कबूल है तो आप उसको उसकी जॉब वापस दे सकते हैं। बोलो बोलो कबूल है कबूल है। कबूल कबूल अपने परिवार के लिए मुझे आपकी हर शर्त कैसे मुझे तुम ग्रेट। सब मंजूर है मुझे मिस्टर आहूजा। अपनी फैमिली की खुशी के लिए मुझे आपकी गुलामी भी मंजूर है। नॉर्मल लोग इस टाइम पे ड्रीमलैंड में होते हैं, सपनों की दुनिया में। कुछ नॉर्मल ही तो नहीं रहेगा अमृता चिटनिस की लाइफ में शेकी। ना दिन ना ही रात। वैसे तूने 24/7 बैंकिंग के बारे में तो सुना होगा ना शेखर? अबे शेखर। अच्छा हाँ हाँ सुना है ना। गुड। ताई क्या बज रहा है? ये अलार्म है क्या? सोना इतनी रात में कौन अलार्म लगाता है? हे अल्लाह तू सो जा। हेलो हेलो सर, आपने फोन किया था? हाँ, मुझे मेरी पर्सनल बैंक मैनेजर की जरूरत है। अभी? हाँ अभी। सर 12 बज रहे हैं, कल ऑफिस जाना है मुझे। तुम्हारा ऑफिस इस वक्त यहाँ पे है मिस अमृता, क्योंकि मुझे रात को काम करने की आदत है। कोई प्रॉब्लम? नो सर, आपका जब मन आएगा आप तब काम करेंगे ना। ग्रेट। और तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग काम करना होगा। 10 मिनट में मेरी टेरेस पे मिलो। और रास्ता तो तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे परिवार को पता होगा है ना? अब देखो मैं समृता कैसे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लगाता हूं। जिस जॉब को वापस पाने के लिए मैं गिड़गिड़ा रही थी ना, उसी जॉब से छुटकारा पाने के लिए गिड़गिड़ाओगी। मजा तो बहुत आएगा। मुझे बस परेशान करने के लिए कर रहा है ये सब ये विराट सिंह, लेकिन उसे पता नहीं है कि अमू दुनिया की बेस्ट बैंकर है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका मेरे पास सलूशन नहीं है। आज से तुम्हारी पनिशमेंट शुरू में से बीसी। यस, एक दिन में तुम्हें नौकरी छोड़ के 9-2-11 नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा।